हेलो एवरीवन वेलकम टू रोही किड्स लर्निंग आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश वर्कशीट तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्कशीट इज मैच द फॉलोइंग सिंगुलर टू प्लोरल यहाँ पे बच्चों को क्या करना है सिंगुलर से प्लोरल को मैच करना है तो यहाँ पे फर्स्ट में काइट है यहाँ सिंगुलर है काइट तो प्लूरल क्या हो जाएगा काइट्स तो काइट्स के साथ मैच कर देंगे Dog, dogs. Bus, तो हो जाएगा बसेस गैस गैसेज फ्लावर फ्लावर्स लास्ट में है काउ तो हो जाएगा काउस नाउ नेक्स्ट वर्क सीरीज क्रॉस द आउट वन आउट यहाँ पे बच्चों को क्या करना है हर एक लाइन में फोर वर्ड दिए हुए हैं जिसमें से एक अलग है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है तो फर्स्ट में यहाँ पे है ये मंडे वेनजे अप्रैल और संडे तो यहाँ पे मंडे वेनजडे और संडे डेज नेम है और अप्रैल क्या है मंथ नेम है तो इसमें अलग कौन हुआ अप्रैल तो इसमें क्रॉस करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है पैरेट लॉयन स्पैरो और आउल तो इसमें से अलग कौन हुआ पैरेट स्पैरो और आउल क्या है बर्ड्स नेम है और लॉयन क्या है वाइल्ड एनिमल है तो ये अलग हुआ ना तो इसमें क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट है लोटस लिली रोज़ और बनाना अलग कौन है बच्चों? लोटस लिली और रोज क्या है फ्लावर्स नेम है और बनाना क्या है फ्रूट्स नेम है तो इसमें क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट है रेड ब्लू, ब्लू मैंगो और पींक। तो पींक, ब्लू और पिंक। पिंक, तो रेड क्या है कलर्स नेम और मैंगो क्या है फ्रूट्स नेम तो ये अलग हुआ ना तो इसमें क्रॉस कर देंगे फिर है लॉयन टाइगर डियर और काऊ अलग कौन हुआ लॉय टाइगर डियर क्या है वाइल्ड एनिमल है और काउ क्या है डोमेस्टिक एनिमल है तो इसमें क्रॉस कर देंगे नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज अंडरलाइन द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें बच्चों को क्या करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है फर्स्ट में यहाँ पे है राम इज अ टॉल बॉय राम कैसा है टॉल है तो टॉल क्या हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड तो इसको अंडरलाइन कर देंगे सेकेंड है माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल हाउस कैसा है ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड तो इसको अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट है सीता इज अ डॉक्टर सीता क्या है डॉक्टर तो डॉक्टर डिस्क्राइबिंग वर्ड है मैंगो इज स्वीट मैंगो कैसा है स्वीट है तो ये इसकी विशेषता है तो इसमें Underline कर देंगे। है, है? है। कैसी तो उसमें describing word क्या और एन फॉर इच पिक्चर्स यहाँ पे बच्चों को क्या करना है पिक्चर को देखकर उसके सामने ए और एन का यूज करना है तो यहाँ पे किसके चित्र है बच्चों? बैट की तो बैट की स्पेलिंग किस से स्टार्ट होती है बी से तो बी क्या होता है कॉन्सोनेंट तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें ए का यूज करते हैं और जो वोवेल से स्टार्ट होता है उसमें एन का यूज करते हैं तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे क्योंकि बैट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है नेक्स्ट यहाँ पे है एप्पल एप्पल वोवेल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एन लिख देंगे एन एप्पल ये किसकी पिक्चर है अम्ब्रेला की तो अम्ब्रेला भी वॉवल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे यहाँ पे कप तो कप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम और आर यहाँ पे बच्चों को क्या करना है ब्लैंक्स को फिल करना है इज एम और आर की हेल्प से तो यहाँ फर्स्ट में है आई डैश अ बॉय तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है तो यहाँ पर लिख देंगे आई एम आई के साथ और आर का यूज नहीं होता है है टीचर यू यू प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आर का यूज करते हैं यू आर अ टीचर वी वी भी प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे वी आर गुड फ्रेंड्स नेक्स्ट है सी डैश माय सिस्टर सी यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा सी इज माय सिस्टर सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज करेंगे और प्लुरल के साथ आर का यूज करेंगे नेक्स्ट है आई डैश सिक्स इयर्स ओल्ड तो आई के साथ किसका यूज करना है एम का तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड क्स्ट वर्कशीट इज राइट द अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे बच्चों को क्या करना है अपोजिट वर्ड्स लिखना है तो फर्स्ट में यहाँ पे न्यू न्यू का अपोजिट क्या होता है बच्चों न्यू मतलब नया होता है तो पुराना ओल्ड को बोलते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड ड्राई ड्राई मतलब क्या होता है सूखा वेट मित्र गिला मतलब बंद गुड गुड मतलब अच्छा बैड मतलब बुरा डे मतलब दिन नाइट मतलब रात बिग बिग मतलब बड़ा स्मॉल मीन्स छोटा हॉट मीन्स गरम कोल्ड मीन्स ठंडा वाइट मीन्स सफेद वाइट का हो जाएगा ब्लैक ब्लैक मीन्स काला कम मतलब आना गो मींस जाना हैपी मतलब खुश सैड मीन्स दुखी